नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो हेलो। हेलो कौन? सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम। हम भदोही जिला से बोल रहे हैं। कई बार ट्राई किए, आप पर लग नहीं रहा था। सर, वही थोड़ा सा मैं पूछना था। पेड़ 2011 वाले हैं हम। सर, वही 82 नंबर वाले हैं, 82। और आप जो वीडियो डालते हैं उसको तो बराबर देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं। और सर, कहीं कहीं ये कन्फ्यूजन हो जाता है हमें, जब ये समस्या आती है कि वही जो है इसमें आवेदन कर पाएगा जो पहले आवेदन किया हुआ है। ये किसने कहा कि वही आवेदन कर पाएगा जिसने पहले किया है? सर, अभी एक महाशय हैं, वो भी चैनल चलाते हैं जो है, ये पीजीटी पीजीटी की संस्कृत से तैयारी भी कराते हैं। उनसे फोन पर बात हुई आपकी? नहीं सर, फोन पे तो बात नहीं हुई, तो वही किसी डाले आपकी नहीं हुई, किसी और की हुई हो? सर। वो फोन से नहीं बात करते, वो अपना न्यूज़ लाकर डालते हैं, तो वो डाले थे जिस किसान। जो व्यक्ति जो है आपके कांटेक्ट में नहीं है, किसी के कांटेक्ट में नहीं है, कोई जानता नहीं है, बस ऐसे ही उसकी बात सुन लेंगे, मान लेंगे? नहीं सर, ये तो सुनना मन नहीं सर। अभी ये है कि अब परत दर परत सामने धीरे धीरे आवत, लेकिन सर लोग ऐसा कंफ्यूजन में डाल देते हैं। क्यों कन्फ्यूजन है भाई, तो हम कहे भाई साहब से अगर कभी बात हुई तो हम इस ये बात को बताइए, कंफर्म हो जाएंगे। हाँ ये सर, बताइए। बताइए, आप हमको 100 का नोट दीजिए और कहिए कि इसका जो है आपको 10-10 का चाहिए, हम आपको 8 नोट देंगे, हो जाएगा? कहते नहीं सर, आप मान जाएंगे 8 नोट देने से? क्यों कहाँ मान जाएंगे, नहीं मानेंगे? सौ क्या सवाल दिक्कत ही है, नहीं है, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं कम मानेंगे? कम है। कैसे पता कम है? और ऐसे पता कि 100 100 का नोट, अरे जब 10 10 नोट देंगे तो 10 नोट देंगे ना। जब आपको ये इतनी बात समझ में आती है कि हमें कोई चीज़ की जानकारी रहेगी तो कोई हमें उल्लू नहीं बना सकता, कोई हमें जो है मूर्ख नहीं बना सकता, कोई हमारे साथ धोखा नहीं कर सकता, करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे, इतना तो समझ में आता है ना आपको? हाँ सर, ये तो बात है, विरोध करेंगे। तो जो चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है और लेकिन वही चीज़ इस जगह पर जो आप सवाल कर रहे हैं वहाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो कमी किसकी तरफ से है? कमी तो अगर देखा जाए तो सुनने वाले में ही है, लेकिन सर कभी कभी सुनने वाले ये में क्या कमी है? सर यही कि मतलब जो कि उनका पास सुन रहा है। नहीं, कमी ये है कि उसके पास जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको जानकारी है, ज्ञान है, नॉलेज है कि 100 रुपये अगर हम देंगे किसी को तो 10-10 के 10 नोट वो हमें देगा। 100 रुपये में 10-10 के 10 नोट होते हैं, ये बात ज्ञान है आपको पहले से, इसलिए अगर आप किसी को 100 का नोट देंगे और वो कम देगा तो आप उसका विरोध करेंगे। तो ये कैसे आप हाँ विरोध कर रहे हैं? पहले से ज्ञान है तब ना आप कर रहे हैं। सर, तो कोई व्यक्ति सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, आपको 100 के नोट के बदले वो 10-10 का पूरा नोट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसकी समझ कैसे होगी? पहले जब जानकारी रखेंगे तब ना। ऐसे तो बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, सबकी बात मान लेंगे। जी सर। सर ये तो है कि उसी सत्र के हम लोग भी हैं, उसी सत्र के तो पूरा बैच पहले है। सारी ये तो बात आपकी, कंफर्म है। सारी बात हम आपकी सुन रहे हैं, आगे भी सुनेंगे और चर्चा होगी। पहले आप बताइए, जो पॉइंट हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास 100 का नोट है तो वहाँ तो आप ऑब्जेक्शन कर ले रहे हैं कम मिल रहा है, जी सर, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि आपको जानकारी पहले से है तब तो आप जो है ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, जी सही गलत पकड़ पा रहे हैं। जी सर, तो यही काम यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्यों नहीं जानकारी रख रहे हैं पूरी कि कोई सही गलत अगर कोई बोले या कुछ कहे तो हम पकड़ लें? कमी किसकी है, वो यूट्यूब चैनल चलाने वाले की या आपकी? नहीं सर, कमी तो हम ही लोग सर। कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये गवर्नमेंट है, पता नहीं क्या नियम कानून लेकर आ जाए। जो आएगा वो तो छोड़ कभी दीजिए, कभी यही जो कंफ्यूजन जो होता है आएगा, जो ना। आएगा, कल को नोटबंदी हो जाएगी, हो सकता है 10,000 का नोट आ जाए, तो आप अभी से उसको सोच करके परेशान रहेंगे कि अभी जो चल नहीं रहा है अभी वाला जानेंगे? नहीं सर, तो अभी वाला वो तो जिस दिन नोटबंदी फिर से होगी और घुसा होगा या फिर 10,000 का नोट आएगा तब उसके बारे में उस दिन सोचा जाएगा, आज तो नहीं ना सोचेंगे। तो जी। जो नियम जब आएगा उस दिन उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन जो वर्तमान में चल रहा है, जो वर्तमान में आ चुका है, वो भी तो आपको नहीं पता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े आप? जी नहीं नहीं पढ़े, सर, नहीं पढ़े, पढ़ेंगे भी नहीं, पता भी हो जाए सब, हम कैसे समझें सरकार को? ऐसे ही समझ जाएंगे सरकार के आपके कान में आकर के हर चीज़ बताएगी नहीं सर, ऐसा तो क्या वो रोज रोज एक ही बात कहेंगे?
और फिर सर अगर ऐसा हुआ तो उनतीस जितने हमें जुलाई 29 जुलाई 2020 का, सर सर सुन लीजिए, थोड़ा हाँ 29 जुलाई 2020 का कोई अखबार खोज करके पढ़ लीजिए, कोई भी अखबार, जी सर 29 जुलाई 2020 या 30 जुलाई 2020, ऐसा कोई अखबार नहीं मिलेगा रंगा हुआ, पूरा का पूरा रंगा हुआ, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में खूब भर भर के न लिखा हो। जी आपने नहीं पढ़ा, 29 जुलाई का और 30 जुलाई का कोई भी टीवी चैनल का प्रोग्राम देख लीजिए, उसमें दिन रात एक ही प्रोग्राम चला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आपने देखा? नहीं देखा। अखबार में आए दिन अखबारों में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधित कोई ना कोई न्यूज आ रहा है, आज भी आया था, हमने ग्रुप में डाला है। आपने पढ़ा? नहीं पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपने पढ़ा? नहीं पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कुछ नहीं, देखेंगे कुछ नहीं, बस हमें सब जानकारी रहे, कैसे संभव है बताइए भाई, किसकी गलती है, कमी है ये सब भाई। मेरी तो हम ही लोगों की कमी है एक YouTube चैनल चला रहा है, वो कौन है? आप ही की तरह कैंडिडेट है ना, जी हम YouTube चला रहे हैं, आप हमारे पास फोन किए हैं, हम कौन है? आप ही की तरह है ना हम भी। जी सर आखिर ऐसा क्या है आप में और मेरे में, या आप में और या उस व्यक्ति में फर्क, कि आपको दूसरे के पास जाना पड़ रहा है, लोग आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं? इस फर्क को कभी समझे आप? वही हाई स्कूल इंटर आप भी किए, वही हाई स्कूल इंटर हम भी किए हैं, वही हाई स्कूल इंटर वो भी किए होंगे, चाहे यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, लेकिन पढ़ाई तो वही हुई है, सबको वही पढ़ाया गया है। ऐसा नहीं है कि हमको अगर जो है प्रकाश संश्लेषण से सब पढ़ाया गया तो उसमें जो है धरती आकाश के बारे में बताया गया, प्रकाश संश्लेषण से सब पढ़े होंगे आप भी तो पेड़ पौधों की बात हुई होगी, जी हम भी जी पढ़े जी तो वही जी बात हुई, वही ग्रेजुएशन आप भी किए, वही बीएड आप भी किए, वही टेट आप भी पास किए, वही हम भी किए हैं, वही वो भी किए हैं, नंबर भले दो चार ऊपर नीचे हो, फिर क्यों अपने आप से ज्यादा इन लोगों को या हमको या किसी को आप आंक रहे हैं? क्यों आप अपने आप को कम आंक रहे हैं? क्यों दूसरे से जानकारी लेनी पड़ रही है? भाई वो भी जानकारी दे रहा है तो अखबार का न्यूज़ दे रहा होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहा होगा, किसी कोर्ट ऑर्डर की बात कर रहा होगा, हम भी वही करते हैं, ये काम आप क्यों नहीं कर ले रहे हैं? क्योंकि आप आलसी हैं, क्योंकि आप निकम्मे हैं, क्योंकि आप कामचोर हैं, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड इंसान हैं, बुरा लगेगा, नहीं सच्चाई है। राष्ट्रीय सर, बुरा नहीं शिक्षा लगेगा। नीति अब तक हमने 50 बार से ज़्यादा बार डाला होगा ग्रुप में, आप अगर ग्रुप में हैं तो आपको मिला होगा, नहीं भी मिला है तो भी आप MHRD से डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन आपने आज तक नहीं पढ़ा। आप कहाँ देख रहे हैं, फलनवा व्यक्ति ये कह रहा था, बताइए कहीं बुरा लग रहा होगा, लेकिन बताइए कुछ गलत कह रहे हैं हम? नहीं सर, बुरा नहीं लग रहा है। हम कोई चीज़ गलत नहीं कह रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं। वो व्यक्ति YouTube इसलिए चला रहा है, आप उसको इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि वो पढ़ रहा है और अपने हिसाब से उसको जो बोलना है बोल रहा है। हम YouTube चला रहे हैं क्योंकि हम हर चीज़ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, बता रहे हैं, और आप सुन रहे हैं इसलिए क्योंकि आप उन चीज़ों को न देख रहे हैं न पढ़ रहे हैं, तो फिर आप डिपेंड हैं सुनने पर। अभी एक ऑडियो हम डालने वाले हैं एक व्यक्ति का, सुनिएगा कितना बड़ा मूर्ख इंसान है वो, पूरे लास्ट तक वो व्यक्ति कहीं से नहीं लगा 1% मास्टर बनने लायक है। आए दिन आजकल ऐसे कॉल आ रहे हैं, पहले भी आते थे, पहले नहीं डालते थे ऐसे ऑडियो, अच्छा नहीं लगता था, आजकल डाल दे रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं, हर व्यक्ति से कह रहे हैं, भैया जागरूक होइए, आप भी ये सब पढ़िए, मत दूसरों का सुनिए। क्यों कह रहे हैं? जब आप जागरूक रहेंगे, हर चीज़ जानते रहेंगे, तो किसी को 100 का नोट देंगे तो क्या वो आपको कम देगा? नहीं सर, सवाल है नहीं। लेकिन आए दिन सुनने को मिलता है धोखा किसी न किसी के साथ पैसे को लेकर हो जाता है। कैसे हो जाता है? धोखा किसी ने किया नहीं, वो खुद मूर्खता किया, उस व्यक्ति ने खुद मूर्खता किया होगा, तभी कहीं ना कहीं धोखा हुआ होगा उसके साथ। जी सर, ध्यान नहीं दी। अब आप जो है बैंक जाइए, आपको पता हम बैंक जा रहे हैं, हम बैंक में जाएंगे और बैंक से निकलेंगे तो जो भी देख रहा है वो तो ये जान रहा है कि बैंक में गए हैं तो पैसे से ही काम लेन देन करेंगे। हाँ अब आप बैंक से निकलिए, अब कोई बैग लिए रहिए, कस के उसको पकड़े रहिए, कोई देख के अंदाजा नहीं लगा लेगा कि उस बैग में पैसे हैं ज्यादा? आप भी बैग लेकर के निकलिए, हम भी बैग लेकर निकले, हम बैग को हाथ में दम झुलाते हुए दम मस्ती में निकले और आप बैग को कस के पकड़े रहिए, अरे कोई देख ना ले, कुछ करना, आप इस तरह से निकलिए तो दूर बैठा कोई व्यक्ति जो इस फिराक में बैठा हो, लूटना है तो वो किसको लूटने की कोशिश करेगा, जो नहीं मस्ती में वो निकल रहा है या आपको? नहीं, ना तो साइकोलॉजिकल समझ ही जाएगा कुछ ना साइकोलॉजी उसमें। को समझ उसमें आएगा कि ये मस्ती में आ रहा है, बैग झुला रहा है, इसके पास इसमें कुछ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, उसमें जो है कि अब है। वो व्यक्ति पकड़ रहा है कस के, इसका मतलब उसमें कुछ तो है, तो ये इंडिकेशन किसने दिया उनको? वही वही
वही देख ही ना, दिए। जबकि हो सकता है जो झुला के निकल रहा बैंक से वो 10 लाख रुपए निकाल के जा रहा हो, और हो सकता है जो कस के पकड़ा है वो 2 ही लाख निकाला हो, डर जी रहा हो कोई छीन ना ले, 2 ही लाख में वो डर रहा है। तो आप या अन्य कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के लोग हैं, खुद बुलावा देते हैं, आ बैल मुझे मार। मार अक्सर आए दिन सुनने को मिलता है कि बैंक से पैसा लेकर निकल रहे थे, बैग छीन लिया गया। तो वो इस तरह से निकलते ही हैं। भाई क्या जरूरत है कैश लेकर के निकलने का, और निकल भी रहे हैं तो इस तरह के बिहेवियर क्यों करना है कि किसी को शक हो जाए। खैर मुद्दा ये नहीं है, तो यूट्यूब पर जो भी बता रहे हैं उनकी भी जी सुन लीजिए, हमारी भी सुन लीजिए, सबकी सुन लीजिए। लेकिन आपको तो पता है ना सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि जो गवर्नमेंट कह रही है, जो गवर्नमेंट जी कर सर रही है, जो गवर्नमेंट घोषणा कर चुकी है, वही सच्चाई है। बाकी कौन क्या कह रहा है वो सच नहीं है। अगर कोई कुछ कह रहा है उसकी बात गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों से मैच कर रहा है तब तो सही है, अन्यथा वो सही नहीं है। नहीं हम हमेशा बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हम हमेशा बात करते हैं कोर्ट ऑर्डर, हम हमेशा बात करते हैं RTA एक्ट। आप जाके मैच करा लीजिए उसमें है या नहीं है। हम तो पेज नंबर तक बता देते हैं, इस पेज पर चले जाइए ये चीज़ मिल जाएगा आपको। जी सर तो जब जाके मैच कराएंगे तब ना, लेकिन आप मैच ही नहीं कराते हैं। बताइए कहाँ डाउट है, क्या दिक्कत आ रही है। सर वही जो डाउट था तो मैं पहले खत्म किया। और सर जी, अगर ये बाद वाला जो रिजल्ट आया था हम लोगों का, वो तो तीसरे साल दिया था, वो जितने भी मतलब उस फिगर राउंड में जितने रिजल्ट जारी हुए थे, वो तो जब कोई कोई भी एक वैकेंसी नहीं देख पाया होगा। तीसरे साल जारी हुआ और दो दो हजार दो दो साल बाद एक्सपायर हो गया। जब 2011 में रिजल्ट आया जी तो सर इस पर तिरासी फोकस डाल तिरासी दीजिए। हाँ तिरासी तक वालों को पास किया गया था पहले, फिर हाँ जी वैकेंसी फॉर्म वॉर्म भरवा लिएगा, उसके बाद 82 को भी पास किया गया। तीसरे साल जी। जिसके हाँ सर कारण वो से सीटेट, सर सीटेट में शायद 82 वाले को पास कर दिए, और यूपी में जो है, अरे हाँ यूपी में 83, कारण क्या था, तो ये भी विवाद बना, तो फिर 82 वालों का भी रिजल्ट दिए बाद कारण क्या में। था कि 55% जो आ रहा था जी वो सर 85.5 पर आ रहा था। तो विवाद हुआ कि 83 या 82, तो केंद्र ने 82 रखा था, हाँ राज्य ने 83 रख दिया, जिसके कारण विवाद हो गया। खैर फॉर्म तो नहीं भर पाए, लेकिन बाद में आप लोगों को भी वैलिड कर दिया गया, अब जो है 82 तक पास होते हैं। ठीक, अच्छा सर तो जी अब पुरानी भर्ती तो खत्म हो चुकी, पुराना मैटर खत्म हो चुका, अब आगे जो नया हो रहा है उस पर फोकस कीजिए। उसमें कहा जा रहा है कि टेट पास होना चाहिए, तो जी बयासी नंबर है चाहे 83 नंबर है चाहे 90 है चाहे जितना है, पास तो आप भी है ना, जी सर जी तो डाउट कहाँ है। जी सर पुराने मैटर से कोई लेना देना है नहीं, वो सब खत्म हो चुका है। बार बार बताया जा रहा है कि फिर से आवेदन लिए जाएंगे, नया आवेदन लिया जाएगा, जो भी टेट पास है सबको मौका मिलेगा। आज के भी पोस्ट में यही लिखा हुआ है, फिर क्यों इतने कंफ्यूज हैं। सर, हम खाली आपको यही ऑडियो सुनते हैं, और पोस्ट और सब वो जो आप डालते हैं सर, ग्रुप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं। तो ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, ये गलती हमारी है या आपकी। नहीं सर हमारी बार बार हर जगह बताया जाता है, ऑडियो में लगभग जिनसे भी बात होती है हर किसी को बोला जाता है, भैया आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, सर व्हाट्सएप ग्रुप भी। टेलीग्राम बनाए हैं आपका जो है वो सब है, लेकिन सर कुछ हम भेज दे रहे हैं उसको आप ज्वाइन करा दीजिए टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए टेट पास ऑल, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, जी सर और व्हाट्सएप भी आप चलाते होंगे, जिस नंबर पर कॉल किए हैं इसी नंबर पर मैसेज कर दीजिए, ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा। ठीक है सर। ठीक है, पूरी जानकारी रखिए। अच्छा सर, ये जो डेमो इंटरव्यू वाली बात है सत्रवार वाले में, इसमें सर वो विद्यालय आवंटन के लिए है ना, इसमें तो उसका अहम भूमिका नहीं है। वो अभी होगा या नहीं होगा इंटरव्यू हाँ डेमो, अभी ये भी फिक्स नहीं है, और प्रक्रिया क्या होगी 100% जब शुरू होगा तभी पता चल पाएगा। तो ये बताइए, पहले से तैयारी रखेंगे या जब नहीं घोषणा हो जाएगा नहीं तब। नहीं सर, तैयारी तो हो ही रही है जो हो रहा है सर जी, तो बस लेकिन तैयारी सर जी रख। हमारे वतिया सर पहले आप क्लियर कराए। देखिए सर, एक सत्रवार डेमो इंटरव्यू, सर जी दोनों में तो अंतर है। तो सर ये जो डेमो इंटरव्यू है ये विद्यालय आवंटन में ही है ना, ऊपर नीचे वधे।
सर अगर बाहर उससे होना शुरू हो जाएंगे तब तो सत्रवाद का अस्तित्व खत्म, तब तो डेमोंटर भी हो जाएगा ये इसमें। बताइए, जब 68,500 भर्ती आया, गवर्नमेंट ने कहा कि लिखित परीक्षा होगा, हो हल्ला मचा, क्या किसी ने बदलवा पाया? नहीं सर नहीं बदलवा पाए। 69,000 भर्ती आया, 60-65 कट ऑफ लगाया गया, तो क्या कोई इसको रोक पाया? नहीं गवर्नमेंट ने कहा हम सुपर टेट कराएंगे, 68,000 69,000 में एग्जाम कराएंगे, क्या कोई एग्जाम को रोक पाया? नहीं। नहीं सर नहीं तो आगे गवर्नमेंट कोई चिल्ली करा जाएगी तो आप रोक पाएंगे उसको? नहीं सर करते हैं हम सर, कहाँ रोक पाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। वो अपनी तो जैसी कोई नहीं जब रोक नीतियां पाएगा। बनाएगी वो तो अपना करेगी। लेकिन सर जी एक तरफ थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए आप, एक तरफ डेमो इंटर भी एक तरफ सत्रवार, सर जी दोनों कैसे संभव है बताइए। बिल्कुल संभव है। सत्रवार आपको जो है अगर डेमो इंटरव्यू से छाटना शुरू करें सत्रवार का अस्तित्व जीरो। फॉर्म क्या इंटरव्यू डेमो से भरेंगे आप? पहले तो फॉर्म भरेंगे ना, जी, तो फॉर्म भरने के लिए तो इंटरव्यू डेमो का नंबर तो नहीं रहेगा उस वक्त। नहीं उस वक्त नहीं क्या रहेगा कि आपने टीचर ट्रेनिंग किए हैं कि नहीं, बीएड किए हैं कि नहीं, कब किए हैं, कितना नंबर है, यही सब देखा जाएगा ना। जी फिर उसके जी बाद जी अगर इंटरव्यू के लिए लिस्ट बनाई जाएगी, बुलाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं सत्र या फिर कोई ना कोई चीज आधार बनाया जाएगा कि नहीं, कि इसके आधार पर बुलाया जाए। जी तो मान लीजिए 2011 वालों को बुला लेते हैं, इसके बाद बुलाते हैं 12 वालों को, उसके बाद 13 वालों को, इसको आप क्या कहेंगे कि कैसे बुला रहे हैं? मेरिट से बुला रहे हैं, नहीं, वही चरण सत्रवार वाइज। बुला रहे हैं ना। हाँ चरण वाइज अब उसके बाद इंटरव्यू मान लेते वो ले लेते हैं। अब कोई व्यक्ति जी। उसमें गया एकदम तो मूर्ख ही है, कुछ आता जाता नहीं है, उसको निकाल के बाहर कर देंगे, तो दोनों वाला लोग प्रक्रिया दोनों पूरी हो गई कि नहीं? सत्रवार वाला भी चल रहा था, वो भी हो रहा है, उसको सत्रवार ही तो कहेंगे ना, कुछ और तो कहेंगे नहीं। और जो कोई एकदम, हाँ अब कोई जो है एकदम खच्चर है, गधा है, बिल्कुल नहीं कुछ आता जाता है, तो उसको क्या रखेंगे वो? अगर कराते हैं इंटरव्यू डेमो में सामने आ जाता है कि इसको कुछ नहीं आता, तो क्या उसके बाद भी वो रखेंगे उसको? भाई कल क्या होगा नहीं जानता कोई, कैसे प्रक्रिया होगी 100% अभी नहीं क्लियर है, अभी घोषणा नहीं हुई है। तो क्यों उन चीजों में उलझ रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है? आप क्या अपने आप को क्या मान रहे हैं? एकदम गए गुजरे, कुछ नहीं आता जाता है, बाहर हो जाएंगे, या मान रहे कि नहीं हम ठीक ठाक हैं, हम तो निकाल ले जाएंगे? ये तो बात का बात बा। अब आप हम अपने ऐसे आप का को, बताए, हम आप ऐसे अपने का आप को बताए सर जी। अगर हम बहुत फास्ट हुए तो बैठा रही इंतजार करी तो नहीं, एक चीज कहीं बताइए, एक सीट ले भावे सर एक चीज जी। बताइए, कोई भी एग्जाम आप जब भी देते रहे, चाहे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, चाहे कोई भी जी एग्जाम दे लेने के बाद आपको तो पता रहता था ना हम क्या करके आए हैं, कैसा, हाँ, वो कितना तो लगभग नंबर आने वाला है, ये भी अंदाजा रहता होगा जी हर व्यक्ति को। और किसी के बारे में पता हो ना हो, अपने बारे में सबको पता होता है कि वो हाँ झूठ हाँ बोल रहा है, करेक्ट सच बोल रहा है, सही है, गलत है, जी अच्छा है, बुरा है, उसको खुद पता होता है, भले वो स्वीकार करे ना करे वो अलग बात है, किसी को बताए ना बताए वो अलग बात है। तो ऐसे ही आपको तो अच्छे से पता होगा आप कैसे हैं, भले बोलिए ना बोलिए, पता तो है। जी तो हमें मत बताइए, किसी को मत बताइए, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि आप जो है अगर इंटरव्यू डेमो देते हैं तो आप किस तरफ होंगे। बिल्कुल जो ऐसे लोग होंगे जिनको निकालना ही तय है उस तरफ अपने आप को रख रहे हैं, या जो लोग सिलेक्टेड होंगे उनकी तरफ अपने आप को मान के चल रहे हैं? तो ये तो आपको अच्छे से पता है। जी सर तो जब पता है तो उसी हिसाब से आगे की भी चीजें सोच करके चलिए। और वैसे भी अगर आप अपने आप को चाहे जो मान रहे हो, लेकिन एक चीज जानते हैं कि अगर नेगेटिव सोचेंगे तो होगा भी नेगेटिव, मानते हैं कि नहीं? जी तो अगर हम है सोच कर घर से निकले कि हमको आज जा रहे हैं, रास्ते में पैर में चोट लगेगा, 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 पैर में चोट लगेगा, एक्सीडेंट होगा, पक्का है कि होगा ही होगा अब तो, क्योंकि आप पहले ही से मना रहे हैं कि आज हम निकल रहे हैं तो होगा ही होगा, वो हो डर जाएगा। जाते हैं सर, डर कर गाड़ी चलाना शुरू करते हैं ना, ऐसा अगर दिमाग में आया आईक्यू में तो लोग डरने लगते तो जब आप ये हैं। सब समझ रहे हैं तो क्यों अपने ऊपर डर को हावी होने दे रहे हैं? पहले से ही मान के चलिए ना कि इंटरव्यू हो चाहे डेमो हो, हम सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ कमी है, अभी हो नहीं रहा, अभी टाइम है, हम तब तक उसके लिए तैयार हो जाएंगे। जी सब आपके खुद के अंदर है, कहीं कोई बाहर से कुछ नहीं आता जाता है, सब आपके अंदर ही है। शुरू से लेकर अब तक जितने भी पॉइंट पर बात हुए हैं, घुमा फिरा कर सबका निष्कर्ष यही है, सब आपके अंदर ही है, आप ही को करना है। जी तो समझिए इन चीजों को, पढ़िए हर चीज, जानकारी रखिए, कॉन्फिडेंस हाई रखिए।
82 अच्छा नंबर आप है, आप टेट पास हैं, आपने बीएड किया है, बस यही तो चाहिए, और चाहिए क्या? इसके बाद आगे जो प्रक्रिया होगी वो जब सामने आएगा तो देखा जाएगा। अच्छा लेकिन सर जी इतना 2.5-3 लाख या 4 लाख जो कैंडिडेट हैं सर जी, इतने का इंटरव्यू या डोमो डेमो जो भी होगा सर जी, संभव वाकया नहीं संभव है, सर जी? संभव तो 10 लाख का भी करा सकते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है? 5 से 7 मिनट का इंटरव्यू डेमो वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, अच्छा, पढ़िए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें लिखा है वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। कितने स्कूल हैं अपने यूपी के अंदर, प्राइमरी स्कूल कितने हैं? सर वही जो आप डालते हैं वही हम सुनते हैं, और ज्यादा अरे हमारे सुनते हैं तो संख्या भी तो हम बार बार अखबार का न्यूज वगैरह डालते हैं तो आपको मालूम होगा ना कितने प्राइमरी स्कूल हैं यूपी के अंदर। चलिए छोड़ दे रहे हैं, आपको नहीं पता हम बता दे रहे हैं, 1,57,000 जी है। 1,57,000 पर अगर दो दो सहायक अध्यापक बीएसए वगैरह जो भी लगे हैं, अगर वो इंटरव्यू डेमो लेना शुरू करें, सामने कैमरा लगा दें, कितना दिन लगेगा कराने में? नहीं, तब कहाँ समय लगे? अच्छा अगर 1,57,000 में से सिर्फ 50,000 सेंटर बना देंगे ना, 75 जिला है, जी, हर जिले में अगर डाइट भी ले लेंगे और जितने बीएससी एबीएससी जो भी हैं उनको वहां बुला देंगे तो भी हफ्ते भर के अंदर निपटा देंगे। अब 3-4 दिन बताइए, आप ही जवाब दे रहे हैं, आप ही सवाल कर रहे हैं, क्या नहीं संभव है बताइए। अच्छा सर जी, और एमा इंटरव्यू में तो एक लॉजिकल भी होता कि कुछ बताओ या ना बताओ, हमके निम्न मानी मैक्सिमम इतना देवे के बाद, अगर बताए ही तो ज्यादा से ज्यादा हमके इतना ही देवे के बाद। वही नंबर देना आपके हाथ में नहीं है, नंबर देने के लिए जो बैठा होगा उसके हाथ में है, उसको क्या ऊपर से ऑर्डर है, वो क्या सोच कर बैठा है, ये आप कैसे तय करेंगे? अगर 100 नंबर का मान लेते हैं कि 100 नंबर का है, अब वहां पर वो जी बैठा होगा कि नहीं हमको तो जो है इसमें बढ़िया बढ़िया ही लोगों को छाटना है, बाकी को फेल करना है, सबको 10 नंबर 20 नंबर देता जाए, आप रोक लेंगे उसको? आपके हाथ में है? नहीं है। जिस चीज पर आपका जोर है ही नहीं, क्यों उधर दिमाग दौड़ा रहे हैं? यूपी बोर्ड की कॉपियां चेक हुई हैं, किसी न किसी टीचर ने चेक किया होगा ना, जी अभी देखिए कितना बढ़िया बढ़िया, 80%, 90%, हर किसी को 70% तो सामान्य बात है, हर किसी को 70% मिल जा रहा है, मिल जा रहा है कि नहीं? यही यूपी बोर्ड था ना आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, गलती से भी 60% जल्दी नहीं मिलता था किसी को, याद है ना? हाँ सर, 60% भी नहीं देता था, और वही यूपी बोर्ड आज भी है, लेकिन नब्बे नब्बे हम जहाँ से पढ़े थे उस समय वही सन 2000 में थे हाई स्कूल में, तब जब 2000 में पहुँचे थे तो उसी समय नहीं, हाँ 2000 99 में जब वही जब पहुँचे थे तो 9-10 अलग अलग हुआ था ना, पहले 9-10 की एक पुस्तक एक ही थी। ही होती थी, पूरा दस हाँ में फाइनल देना होता था। तो अलग अलग हुआ था, सेंटर गया था, और सेंटर वहाँ में सब जो उधर निरीक्षक उरीक्षक थे गार्ड सब गए थे, 5-7 लड़कों के पास हुए थे, 5 थे गा, जिसमें एक फर्स्ट क्लास हुआ था, 2 थर्ड हुए थे, और जितने बचे सेकेंड डिविजन में थे, बाकी क्लास में कोई पास नहीं हुआ। तो वही यूपी बोर्ड तब भी था, वही यूपी बोर्ड आज भी है, लेकिन सिस्टम में परिवर्तन आया कि नहीं? नहीं, और पूरे क्लास उस पर कल भी आपका जोर नहीं था, आज भी आपका जोर नहीं है, तो जिस चीज पर आपका जोर है ही नहीं, जो किसी और के हाथ में है, उस चीज को सोचिए ही नहीं आप, बल्कि ये सोचिए कि हम इतनी तैयारी करके जाएंगे कि हम मजबूर कर देंगे, कैसे नहीं देंगे वो नंबर, हम हर सवाल जी का जवाब देने को तैयार हैं, सब सही सही जवाब देंगे। सर, एक अब हमारे फ्रेंड हैं वो मुंबई में हैं, ये 2011 वाले में 109 नंबर पाए थे, तो उनकी परिस्थिति खराब थी, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए, तो यहाँ से मतलब चले गए बाहर, वही कमाने लगे, ऑटो ऑटो चलाने लगे उस समय। चलिए, तो जो भी कर रहे हैं अपना तो घर परिवार वही चला अब रहे फोन हैं। से बात तो होती है तो हम बताते हैं यार, तो होने वाला है हम लोगों का, यार क्या मजाक कर रहे हो? हम कहा हाँ भाई, यार टेम्पू खींचते में 10 साल हो गया, बताइए चमत्कार करने वाले हो, 10 साल बाद हमें नौकरी मिलेगी? अब हम कह नहीं भैया मिल रही है, टेंशन मत लीजिए, अब बताइए, मान लीजिए कि कोई प्रक्रिया जो गवर्नमेंट हम इंटरव्यू डोमो के बारे में इतना घुमा फिरा रहे हैं सर, उन्हीं की बात है। अब वो मतलब इतना
शिक्षा एजुकेशन से उतना अलग हो चुके हैं कि बहुत मुश्किल है उनका माने ड्रीम तो एक इंटरव्यू चीज कुछ अच्छा बताइए, होना। एक चीज बताइए, चाहे वो हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई हो, जिसने हाई स्कूल जितने नंबर से पास किया, इंटर, ग्रेजुएशन, BA, TT, अब वो तो नहीं बदल सकता ना, वो तो वही रहने वाला है। जी अगर उसके आधार पर कोई चीज होता है तो उसमें तो कहीं कम बेसी कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जो है उसके आधार पर होगा, उनका 109 नंबर है और हाँ अन्य एक सौ नौ चीजें जो वो हैं, पढ़ने में भी अच्छा था। तो जो भी है उतनी चीजों से तो वो हो जाएंगे। इंटरव्यू डेमो की जहां तक बात है, हमने शुरू में भी बोला, हमेशा बोलते हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि नियमावली में लिखा है कि इंटरव्यू डेमो अभिन्न अंग होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है। और इस चीज को अभी तक NCT ने गजट जारी करके नियम नहीं बनाया है, ना ही UP गवर्नमेंट ने अभी इसको नियम में शामिल किया है। तो अभी जो चीज शामिल हुआ ही नहीं है, उसके बारे में 100% तो नहीं कहा जा सकता कि वो होगा इसी बार से। होना तो है, लेकिन इसी बार से होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो तैयारी करते रहिए ये मान करके कि होगा, और अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, और अच्छी बात है, उनका भी हो जाएगा बड़े आराम से, आपका भी हो जाएगा। और वो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, अरे तो सर जब हमसे अच्छे थे, हमसे अच्छे। तो फॉर्म जब भरा जाएगा तो वो भी फॉर्म भरेंगे, उनको जानकारी हो जाएगा कि ये फॉर्म भरा जा रहा है, और विज्ञापन में लिखा होगा कि इंटरव्यू होगा, डेमो होगा, तो आ जाएंगे, 1-1 महीना पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, अच्छे हैं पढ़ने में तो रिविजन मार लेंगे, हाँ हो सर जाएगा। हाँ, फिर कह रहे थे यार ऐसे कैसे होगा, अगर ऐसे होगा तो डोनेशन चलेगी, यूपी है 3-5। हम कहे भैया यूपी जब थी तब थी, अब सरकार जो है ना एकदम बदल गई है, अब यूपी भी बाबा जी के हाथ में है, ये भूल जाइए डोनेशन। जानते हैं, और तब हम उनको समझाए, हम कह यार बाहर करने के लिए नहीं होगा कि लोग इसमें पैसा लेकर कूदेंगे, जैसा इतनी बार हम इतना सब बताए कि ध्यान जैसा का दिया। 1 मिनट, हम वह एक जैसा भाई साहब बता रहे हैं सुनने में आता है, जो अपना चलाते हैं यूट्यूब चैनल वगैरह, ये छात्र की नहीं है भैया, इसमें पैसा ऐसा नहीं चलेगा, इसमें जो अच्छे अच्छे आप लोग चले जाइए किसी भी मुस्लिम मुल्क में चले जाइए, क्या आप वहां कल्पना कर सकते हैं कि वहां पर कोई हाफ पैंट पहन करके महिला घूम रही होगी? कतई नहीं सर। तो वहां आप कल्पना कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर जिसने कभी देखा ही नहीं इस तरह का, तो कैसे कल्पना करेगा? तो जिसने अभी तक लेटेस्ट चीजें देखा ही नहीं, जिसने अखिलेश का कार्यकाल देखा है, जिसने मायावती का कार्यकाल देखा है, जिसने मुलायम सिंह का कार्यकाल देखा है कि खूब चलता था डोनेशन, ये वो खूब चलता था, उनके दिमाग में वही चीजें भरी पड़ी हैं। हाँ, वही बता रहे हैं। उनको और बताइए इस ना कि 68,000। चयन बोर्ड का भी बात करते थे कि यार देखो चयन बोर्ड में भी जो है कि पहले इंटरव्यू वगैरह दिए थे, उसमें भी पैसा वैसा नहीं दिए, नहीं हो पाया, लास्ट में पिताजी गड़बड़ा गए हमारे, तो आ गए चयन हम बोर्ड में बाहर। पैसा नहीं दिए, ये कौन से वर्ष की बात है? सर ये सन 2011 में थे, उनका बीएड भी 11 में था, तो वही जो 13 वाला 2 साल बाद नहीं हुआ था, जब वहाँ 13 में 11 भरवाए 11 थे, 11 चौदह 12 पंद्रह 16 में हुआ था ना। 11 12 13 14 15 16 जो भी आप बात कर रहे हैं, उस समय किसकी कार्यकाल थी? ये अखिलेश अखिलेश में हुआ था, तो बाबा जी आए थे तब रिजल्ट आउट हुआ था, रोक दिए थे, तो उसके बाद फिर जांच वांच कराए थे रिजल्ट। कुल मिला करके उनकी जो भी शंका है या जो कुछ उन्होंने देखा है, फेस किया है, तो वो अखिलेश के कार्यकाल में, मायावती के कार्यकाल में, पिछली सरकारों के कार्यकाल में ना, जो पिछले पिछली राजनीतिक पार्टियां थी उनमें, अभी हाल ही में 69,000 हुआ, कोई एक बंदा आपको पूरे यूपी में मिला है कि वहां पर पैसा चल रहा है कहने वाला? कोई एक बंदा फेसबुक पर झूठे लिखा हो कहीं पढ़े हैं आप? नहीं सर अभी तो नहीं मिला है। फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं भी झूठे कहने वाला जो विरोधी हैं, हम चलिए उनकी बात कर लेते हैं, नहीं जो कहने जो वाले तो कहे हैं, लेकिन सर जब से कोई पुख्ता ना मिले तब से क्या मतलब, कौन नहीं, कैसे एंट्री कहीं मारा है। कहीं नकल हुआ, कहीं पेपर आउट हुआ, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये कैंडिडेट कर रहा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम की उनहत्तर तरफ हजार से सिस्टम की तरफ से कि काउंसलिंग चल रही थी 69,000 भर्ती में, और वहां पर पैसे की डिमांड हुई, कोई कहा? नहीं, ऐसा नहीं। LT ग्रेड की भर्ती हुई है, TGT की हुई है, PGT की हुई है, अन्य किसी विभाग में हुई है, किसी विभाग का आप बताइए 2017 से अब तक में, कि कोई व्यक्ति कहा हो कि हमारा जो है वहां पर पैसा दे करके हुआ है, या वहां पैसा चल रहा था इस कारण मेरा नहीं हुआ है, या फलनवा का पैसा दे करके हुआ है, ऐसा कुछ सुने हैं कहीं? नहीं।
अब ये समझिए स्थिति है कि झूठ भी कोई फेसबुक पर नहीं लिख पा रहा, कि झूठे लिख दे कि हाँ यहाँ पैसा लेकर के इसका हुआ सिलेक्शन या पैसा लेकर के ये काम हो रहा है, कोई झूठे क्यों नहीं लिख दे रहा है। लेकिन अखिलेश के कार्यकाल में तो झूठे लिखना छोड़िए, सब लिखता था, सब बोलता था। हम खुद ही जो है दो दो बार जो है ASO का छोड़ चुके हैं इंटरव्यू, वहां पर इंटरव्यू दे करके हम छोड़ चुके हैं क्योंकि पैसे नहीं थे मेरे पास, हम खुद ही दूसरे का क्या करें। लेकिन ये कब की बात है, अखिलेश के कार्यकाल की। असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का हम 2 बार इंटरव्यू दे के छोड़ चुके हैं, पैसा नहीं था जी मेरे पास, नहीं तो हम भी बैठे होते सचिवालय में, कहीं और ना होते, लखनऊ सचिवालय में बैठे होते इस वक्त। समझ रहे हैं सर, समीक्षा। तो अब बताइए, इसमें तो कोई झूठे नहीं कह पा रहा है, उसमें तो सब चलता था, खुलेआम था, सबको पता था। इन बातों को छोड़िए जिनका कोई आधार रह ही नहीं गया। अब जी जैसे तुलना की जाती है त्रेता युग द्वापर युग कल युग, तुलना जी करते हैं ना, जी तो जो इसके पहले लोग चलेगा उनको जो युग कहना हो कह लीजिए, और अभी कौन सा युग नाम रखना चाहे रख लीजिए, और युगों के आधार पर तुलना कर लीजिए। अब ये दो युग कहे जाएंगे, बिल्कुल विपरीत है। एक टाइम था जब सरकारी स्कूल के बच्चे लगता था कि चपरासी हैं कहीं के, आज जो है बच्चे लगता है कि नहीं बच्चे हैं किसी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, इनका ड्रेस देख लीजिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ सर, डेवलप तो हुआ है प्राइमरी तो इन्होंने सिस्टम इसमें, ही नहीं बदला है, इन्होंने सोच भी बदला है। गधे डेवलप हुआ इसमें, दो दो राय या कहीं ये फिट नहीं है, डेवलप हुआ है, बड़े पैमाने पर डेवलप हुआ है। जो सही है सर वो तो कहा ही जाएगा जिस डेवलप। सरकारी स्कूल में जाइए तो ताला मिलता था, या फिर बच्चे खेलते कूदते मिलते थे, या बच्चे मिलते ही नहीं थे, मास्टर जी बैठे ऐसे टाइम पास करते हैं। आज वही सरकारी स्कूल एडमिशन कराने के लिए लाइन लग रही है, ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहां 800 800 हजार हजार बच्चे पढ़ रहे हैं। भाई सोच का फर्क है, व्यक्ति जैसा सोचेगा वैसा करेगा। इसके पहले के लोग जैसा सोचते थे वैसा करते थे, वैसा हर किसी को दिखता था, तो वैसी सोच बनी हुई है। अभी सब बदल गया है, आप देख रहे हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है। लगातार मेरे पास फोन आते हैं, शिक्षा मित्र के आते हैं, अनुदेशक के आते हैं, जो लोग विद्यालय में हैं वो लोग हमें बताते हैं, हम नहीं कहते हैं कोई चीज अपनी तरफ से, हम तो जाते ही नहीं देखने। अरे नहीं सर, हम जहाँ हैं मार्केट में है, प्राइमरी हमारे चारों तरफ है, मतलब हम केंद्र बिंदु में है, हर प्राइमरी जो है बता दिए अभी कहीं लाइन में कि डेवलप मैंने अच्छा खासा डेवलप हुआ है, मैंने टाइल्स वगैरह सब कुछ कॉन्वेंट की तरह सब हो रहा है, उसमें ई फिट नहीं है, नंबर एक का विद्यालय सब हो रहे हैं। एक हमारी महिला मित्र हैं, अभी उनसे बात हो रही थी कुछ दिन पहले, तो थोड़ा सा वो गवर्नमेंट से नाराज रहती हैं। अच्छा तो उनका हर चीज़ नेगेटिव रहता है, तो उनके हिसाब से कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। तो हमने उनसे कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर मिला है, आपको है जानकारी? वो भड़क गई तुरंत, कि किसी को कोई घर नहीं मिला। हम कहे आप रहती कहाँ हैं? तो कहें हम तो शहर में। तो हम कहे ये बताइए, शहर वालों को घर देंगे? गांव वालों को दिया जा रहा है ना, जो जिनके पास जमीन है, कच्चा पक्का मकान जो भी है टूटा फूटा, उनको दिया जा रहा है ना। इस शहर में ऊंची ऊंची बिल्डिंग वालों को दिया जाएगा? अगर आपको जी देखना है तो आइए किसी गांव में निकलिए, शौचालय दिया गया आपको है? किसी को नहीं दिया गया, सीधा जवाब। शौचालय आप भी देखे होंगे कितने लोगों को मिला है, आपके तरफ मिला होगा शौचालय? अरे सर, सबको मिला है, कितने लोगों ने, सबको मिला है, तो अब बताइए, अब शहर वाले कहाँ से उनको दिखेगा? माने हम सब ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं ना, सबको, माने कोई छूटा ही नहीं, ऐसा आज सबको की मिला तारीख है। में कोई घर और नहीं है। पैसा भी नहीं मिला, वो सामान मिला कि जाइए आप पैसा खा न जाएं, सामान मिलेगा हाँ ताकि मजबूरी होगी कि आप बनवाएंगे इसको, तो मतलब लोगों को घर मिला, शौचालय मिला, इस वक्त राशन भी मिल रहा है। ये जो भी अभी पिछले कुछ सालों से योजनाएं चल रही हैं, ये सारी योजनाएं बिल्कुल लो लेवल के लोगों के लिए की जा रही है, ताकि उनको भी थोड़ा सा ऊपर लाया जा सके, जिन पर किसी गवर्नमेंट ने कभी ध्यान नहीं दिया। सिर्फ उनको, भैया तुम SC हो ST हो, हमको वोट देना, हम तुम्हारे मसीहा हैं। तुम यादव जी हो, हमको वोट देना, हम तुम्हारे मसीहा हैं। तुम मुस्लिम हो, हमको वोट देना, हम तुम्हारे मसीहा हैं। ऐसे वोट लेते रहे, लेकिन ये क्या कुछ भी नहीं उनके लिए किए। आज जो है अगर शौचालय मिला है, चाहे वो मुस्लिम रहा हो, चाहे वो हिंदू रहा हो,
चाहे वो एससी रहा हो, एसटी रहा हो, ओबीसी रहा हो, जनरल रहा हो, अगर वो है उस लेवल पर जो मानक रखे गए हैं तो उस सबको मिला है। जी आप अपने क्षेत्र में देखे होंगे, हो सकता है कोई पंडित जी को भी शौचालय मिल गया हो सकता है जी कोई एससी एसटी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का उसको भी मिला हो। सही, शौचालय सबको मिला है, मैं आपको तो बता रहा हूँ, कोई छोटा ही नहीं, सब पाया शौचालय, शौचालय सबको मिला है, एक जो तरफ से मिला है। तो जो मानक तय किए गए वो मानक में कहीं बल्कि किसी भी बल्कि प्रकार जो से। होशियार लोग थे ना, जिनका पहले से शौचालय बना था, वो लोग गवर्नमेंट का मोहर वोहर लगवा के जो पैसा अपना निकलवा लिए प्रधान को मिला उला के, लेकिन मिला सबको है, कोई छूटा नहीं। तो वही बात कि जिनके पास नहीं था वो भी लिए, जिनके पास था तो भाई भ्रष्टाचार तो होता ही रहता है। वो भी सौ परसेंट लिए, 100% अच्छा नहीं उम्मीद कर सकते हम लोग। अगर वो भी लिए और मिला सब, कोई छूटा ही नहीं, ये मतलब ए टू जेड कोई नहीं छूटा, सबको मिला है। अच्छा, और आवास योजना में किसी का घर आपने देखा? सर आवास योजना में भी मिला हुआ मिला था, लोग बनवाए रहा है। अब आवास योजना तो शौचालय है नहीं, वो अपने हिसाब अपने मानक के अनुसार पाए हैं, लेकिन मिला था। हम आपको बताते हैं। हाँ, हमारे घर से थोड़ी दूरी पर एक ही परिवार के तीन भाई थे, ठीक है, और जी तीनों का हिस्सा लगा था, तो तीन हिस्सा घर बटा हुआ था। पैसा किसी के पास नहीं था, मेहनत मजदूरी करने वाले। हाँ, उसमें से एक परिवार ऐसा था कि उनके बच्चे बाहर जाकर के मेहनत मजदूरी करते, तो वो पैसा थोड़ा उनके पास था, तो उन्होंने अपने जमीन पर ईट और सीमेंट से दीवार खड़ा करके कमरे बना लिए थे। अब हुआ क्या कि उनका काफी जो है पहले से बना हुआ था, तो थोड़ा अन्य दोनों भाइयों की तुलना में वो अच्छे कंडीशन में थे। अब जब आवास योजना आया तो उसमें था कि भैया जिसका घर ना हो, जमीन तो हो, घर ना हो, टूटा फूटा हो या जैसा भी, उसको मिलेगा। तो तीनों ने भरा फॉर्म, लेकिन दो को मिला, उसको नहीं मिला जिसने अपना कमरा बना रखा था। हाँ, अब उन दोनों ने उस पैसे से बढ़िया पीलर खड़ा किया, पीलर वाला, फिर छत एकदम ढलैया वाला मस्त एकदम बनाए हैं घर। यानी कि जो पहले से बनाया था मेहनत करके, उसने ईंट पर खड़ा किया था, उसकी ढलैया भी ईंट वाली थी। जी जिनको आवास योजना में पैसा मिला, उन्होंने पीलर खड़ा करके घर बनाया, और अब पूरा सिलाब छत सिलाब सिलाब ढलैया हुआ है, पूरा गिट्टी एकदम वाली, गिट्टी वाली ढलैया हुई है। अब उनसे बेहतर स्थिति में आ गए हैं, और इतना ही नहीं, वो सेकंड फ्लोर भी बना लिए हैं, और जो पहले वाला था बेचारा अभी भी सिंगल फ्लोर पर है। तो उनको नहीं मिला, एक ही परिवार के हैं, एक ही स्थिति परिस्थिति के हैं, बस उन्होंने थोड़ा सा बना लिया था, इस कारण उसको नहीं मिला, क्योंकि जो मानक तय किए गए थे उसके अंतर्गत वो नहीं आ रहे थे। हाँ, उनको प्राथमिकता नहीं मिली, मानक से बाहर थे वो। तो कई सालों से वो ऊपर थे अन्य दो की तुलना में, अब अन्य जो दो हैं वो उनसे ऊपर आ गए हैं। तो जिनका हमें पूरा उम्मीद था, विश्वास था कि अपने जीवन काल में वो कभी घर नहीं बना पाएंगे, ये कंफर्म था, क्योंकि वो पीने खाने वाले लोग हैं, पैसा अच्छा आता है खर्च कर देते हैं, सोचते ही नहीं है घर भर के लिए। तो हाँ, उम्मीद दिन था दिन भर आयल शाम के समाप्त। समाप्त, तो हमें पूरा भरोसा था कि ये अपने पूरे जीवन कार्यकाल में घर नहीं बना पाएंगे, और आज उनका घर बना हुआ है, पक्का घर, ढलैया वाला एकदम, पीलर के साथ। अच्छे से तो सोचिए, ऐसे ऐसे लोग जो अपने पूरे जीवन काल में कभी घर बनाने का सोच भी नहीं पा रहे थे, उनको घर मिला है। जो लोग भरपेट भोजन नहीं कर पा रहे थे, उनको हर महीने राशन मिल रहा है, भरपेट भोजन कर रहे हैं। ऐसे भी हैं, कम से कम 40% ऐसे लोग हैं जो बेच दे रहे हैं ले जाकर के, एक्स्ट्रा है। 40% का सर जी, हमारे समझ से तो इधर हम जौने बेल्ट में भाई 80-85%। भाई वो तो सत्य तो यही है, 80-85% लोग ले जा करके, कोई अपने जो है गाय गोरु को खिला रहा है, कोई जो है बेच दे रहा है, यही सब कर रहे हैं लोग। लेकिन आगे ग्रामीण में जोन बटे ना, ये अन्न दाना का कमी नहीं बा, ये जोन उठावत है राशन जोन बा, ये सीधा दुकानिये बस सधा है दुकानदार, पता करत रहते काहो ले आया, काहो ले आया, ले आया। वास्तविकता यही है कि गांव देहात में अन्न की तो कमी नहीं है, क्योंकि वो खुद हाँ खेती मजदूरी करने वाले खेती, लोग हाँ हैं। मजदूरी, हाँ हाँ थोड़ा सा कम ही खेत होगा, लेकिन लगभग सभी के पास है खेत, अपना खेती कर वेती कर लेते हैं रहे, गांव जिसके का। पास और खेत नहीं बा तो दूसरे का भी खेत लगाए के घरे में गल्ला एकदम गांजे बा, कोनो दिक्कत नहीं है, अन्न की दिक्कत नहीं है, लेकिन दुखत अधिया कही के। लेकिन गवर्नमेंट अपनी योजना चला रही है उन लोगों के लिए जिनके पास नहीं है, तो अब एक एक को कैसे पहचाना जाए। तो एक योजना चलाए, कुछ मानक रखे,
उस मानक के अनुसार जो लोग आ रहे हैं ले रहे हैं, अब वो भले उसके लिए योग्य हों ना हों, गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है। तो कुल मिलाकर के जो पुराने सरकारें रही हैं उन लोगों ने जो कुछ किया है उसी के कारण लोगों की सोच बनी है। अभी देख लीजिए, अतीक मारा गया, ये बताइए एक लाइन में सही है या गलत है, चाहे जिस रूप में मारा गया वो छोड़िए अरे कैसे। हम यादव जी है ये, हम आपको बताए दी सपा सरकार में कहीं यदुवंश से मुसलमानों से कत्तों उलझ जाए ना तो बरीता मुसलमानन के दिया है। अगर आप डल ही वीडियो देखे काट दे ही, अब ये है जान लो सपा सरकार कैसन रही। ये चीजें हर लोगन कोई के जानता लोगन के लोगन के अंदर एक माने ये आ गया बा है। कि यादव बड़े कट्टर होते हैं मतलब यादव बदनाम हो चुके हैं किसके कारण, बदनाम हो चुके अखिलेश हैं, अखिलेश मुलायम के कारण। इनके भी बदनाम हो चुका है। अब हम यादव रहे सपा सरकार हमें कुछ नहीं मिला, बीजेपी आई केसीसी रहा हमारे 1 लाख रुपया लोन माफ हो गया। बताइए हम राजनीतिक आदमी तो हैं नहीं कि भैया एक हमें लाख रुपए 1 लाख रुपए लोन माफ हुआ कब हुआ, ये जो पहली बार आए नहीं थे पहली बार सत्ता में। कौन से सन लगभग बताइए। अरे स्टार्टिंग में जब यहाँ सपा सरकार हटी 2017 अखिलेश, तो हाँ तो बाबा जी आए नहीं थे तो उसमें प्रधानमंत्री जी नहीं चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि पहली जो है कि कैबिनेट मीटिंग में यहाँ के किसानों का जो है कर्ज माफ होगा। तो माफ हुआ है किसानों का, हाँ अरे हुआ क्यों नहीं हुआ, हमारा खुद 1 लाख रुपया माफ हुआ है। बताइए। आपका खुद हुआ है और आप बता रहे हैं, लेकिन लोग तो कहते हैं कि खाली झूठे हल्ला किए कुछ नहीं अब किए। हमारे गांव में जितने यादव लिए थे जितना लिए थे जिस अनुसार अपना आए सबका माफ हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा माफ हुआ है। चलिए भाई, किसी का ज्यादा किसी का कम, लेकिन हुआ है ना। हाँ अरे चलिए हुआ है। अब ये अच्छा बताइए, अब आपने हम यादव बताया जी हैं, हम यादव जी हैं, हमें बीजेपी से लाभ हो रहा है भाई। हम राजनीतिक आदमी तो हैं नहीं तो ये बताइए, यादव कि जी हमें कि हैं, बाबा जी हटे तो हमें सत्ता में आना है। हम ऐसे तो हम महान पुरुष हैं नहीं कि तो अब आप हमें बताइए, किसी से दिक्कत है आप भाई। बताइए। हमें क्या चाहिए, हमें सुविधा चाहिए, जो गवर्नमेंट सुविधा देगी वही तो हमारी गवर्नमेंट है। अब बताइए, आप अपने हिसाब से बताइए कि अखिलेश आए और यादव लोग को गुंडा माना जाए वो सही है, और बाबा जी रहे बीजेपी रहे, इसमें जो है सबको बराबर एक समान इज्जत समान सब कुछ माना जाए और सारी सुविधाएं सबको एक समान दी जाएं, कौन सा गवर्नमेंट सही है सर गवर्नमेंट तो यही सही है बाबा जी की। इसमें। इसमें जो है ऐसा कुछ है कि नहीं, अगर आपकी लड़ाई और मुस्लिम की लड़ाई हो जा रही है तो किसको वरीयता दी जाएगी, या यादव जी की लड़ाई हो गई किसी और पार्टी ने जो है बिरादरी से लड़ाई हो गई तो यादव जी को वरीयता, इस तरह का कुछ है कहीं। सर बरेता मैंने जैसे कि लड़ाई हो गई, मुस्लिम भी कोई बुरा सर जी, देखिए हमारे वो कहने मतलब कोई बुरा है नहीं, हाँ वही मुस्लिम बात, भी हैं तो वो बुरे थोड़ी हैं, बुरा वो भी कोई नहीं अपने है, हैं अपने वो भी हैं। लेकिन हम वही यहाँ बात, मतलब सपा की स्थिति पर मतलब थोड़ा सा तो वही बता वही हम दिए। कह रहे हैं, वही हम भी कह रहे हैं, चाहे अभी वर्तमान में। अब जो आप बता रहे हैं केंद्र योजना लेकर आ रही है ये ऐसे ऐसे होने वाला है, यह संभव तब संभव हुआ ऐसे कि वहाँ केंद्र में भी है राज्य में भी है तभी संभव हुआ, नहीं तो जिस हिसाब से मतलब एनसीटी काम की गवर्नमेंट केंद्रीय गवर्नमेंट काम करा रही है तो संभव ही नहीं था कि ऐसा ऐसा हो जाए। तो वही सारी बातें कि आपने हमने अभी चर्चा किया, आवास योजना, शौचालय, राशन, तो क्या इसमें कहीं हिंदू मुस्लिम या यादव जी या पटेल जी या इस तरह का कुछ कहीं देखा जा रहा है। नहीं अब यही बता रहे हैं, यही जो बड़ी भर्ती होगी तो इसमें किसी को चीन कर दिया जाएगा कि हम यादव जी भैया हमको नहीं मिलेगा हट जाइए आप, या आप मुस्लिम हैं आपको नहीं दिया जाएगा आप हट जाइए। तो वही अभी आप ही बता रहे हैं, हम तो इसके बारे में नहीं जान रहे थे, खाली सुनते थे कि फालतू हल्ला है लोन वोन वाला। अभी आप बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का लोन माफ हुआ है, आपका ज्यादा माफ हुआ है और आप यादव जी हैं। अब बताइए, इतना सब हो रहा है, अब कोई देखबे ना करे, पता करने ना जाए धरातल पर क्या चल पहले रहा पहले केसीसी लोन लिए हैं लोग, पहले देख पहले उनसे पूछिएगा आप केसीसी लोन लिए थे उसे उसके अंतर्गत आए थे, है। अच्छा जो लिया ही नहीं है तो उसका कहाँ से माफ होगा। जो बिजनेसमैन है बिजनेस पर लोन लिया है, होम पर लोन घर पर लोन लिए, तो ये सब तो माफ हुआ नहीं था। नहीं, माफ वो हुआ तो था किसानों किसानों का ना, किसानों से का। किसानों से आप पूछिए तो जरूर बताएंगे कि हाँ हुआ है। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, अब जो उन्होंने बनारस में दुकान चला रहा है तो उसको क्या पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल सही बात कहा। अभी वही तो बताया कि एक मैडम जी से मेरी बात हो रही थी, अब वो शहर में हैं तो उनको कहाँ शौचालय दिखेगा, कहाँ आवास योजना दिखेगा, कहाँ राशन बढ़ते हुए दिखेगा उनको।
खैर बदलाव तो हुआ है। नहीं नहीं अच्छा बदलाव आप, हुआ है सर जी। अच्छा अब आप बताइए, आप भी यादव जी हैं इसीलिए पूछ रहे हैं कि आप यादव जी हैं, लोन माफ हो गया, आपको इस सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, जो भी सुविधाएं हैं सबको एक समान मिल रही हैं। जी अब आप जो है ऐसी सरकार चाहेंगे जिसमें यादव जी को गुंडा कहा जाए, या ऐसी सरकार चाहेंगे जिसमें जो है यादव जी लोगों के लिए सुविधाएं मिले? अरे सुविधा मिले और गुंडा सर, गुंडा गुंडा जो यादव लोग हैं, गुंडा गुंडा वाले जिनके अंदर जो है कि वो समाजवादी झंडा जो है कफन बनी हुई है कि हम इसी में लपेट कर शहीद हो जाएंगे। मुलायम हमारे पिता हैं और समाजवादी पार्टी हमारी माँ है, तो राजनीति करने वाले हैं वो, यादव जी नहीं है वो, राजनीतिक आदमी। आप मतलब हमारी 100% बोल लीजिए, वो राजनीतिक आदमी है। नहीं उनका बिल्कुल। ये कहना है कि हमारी सरकार आए, हमें भी जो है पोस्ट मिले, उसमें वरिष्ठ कार्यकर्ता में रहे और सब कुछ रहे, हमारे यहाँ से लखनऊ आना जाना रहे, थाने में हमारी बैठ रहे, तो वो लोग चाहेंगे। जिस इंसान को किसी से मतलब नहीं, हाँ हमें योजनाओं का लाभ मिले, जो भी आए ठीक ठाक रहे, और जहाँ से नीतियाँ बने भाई वहाँ से हम लोग उपेक्षित ना हो, अच्छा आप बात किसान बात हैं, समझ रहे नहीं? आप किसान हैं तो जो है 6,000 रुपये किसानों को आता है, वो भी आता होगा, हाँ 2-2 हज़ार रुपये, 2,000-2,000 रुपये 3 बार साल में हाँ हर वो तो किसान। सब सबको आता है, जो फार्म भरा है सबको आता है, कोई किसान कह दे हमें नहीं आता। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो यादव जिसके जी हो, पास चाहे खेत जो है, भी हो, जिसके पास खेत है सबको आता है। तब तो इस हिसाब से जो है किसानों का देश है भारत, तो बहुत बड़े पैमाने पर पैसा जाता होगा साल भर में। या तो देने वाला ही बता सकता है सर, देखते नहीं कि हाँ ये बजट पास हो गया, तो पेपर में भाई आता है कि किसानों का ये 14वां बजट 13वां बजट, अगर ये एक एक बजट पास हो रहा है, जिसका मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा पैसा पास हो रहा है, तब नहीं तो कुछ लोग, इकट्ठा ना साल भर एक बजट पास हो जाए। नहीं कुछ लोग कहते हैं कि खाली कागजे पर है, खाली टीवी में है, खाली अखबार में है, दिया कुछ दे नहीं रहे हैं, झूठे खाली है। आप तो कह रहे हैं कि आ रहा है। जो कह रहा है उसको कह दीजिए कि हम प्रिंट कराकर पासबुक भेज दें आपके पास, किसी किसान का आप देख लीजिए खुद आ रहा है नहीं आ रहा है। बताइए, आप तो जीते जागते एकदम गवाह हैं हर योजना के, कि सालाना जो है 6,000 रुपये भी आ रहा है, लोन भी माफ हुआ है, शौचालय भी आप बता रहे हैं, आवास योजना भी बता रहे हैं, लेकिन जितने फेसबुक फलाना ढिकाना वाले हैं, यादव जी लोग की भी बात करेंगे खास तौर पे, वो तो लिखते हैं कहीं कुछ हो ही नहीं रहा, सब फर्जी है ये सब बातें। वो राजनीति वाले हैं ना, हम लोग को राजनीति करना है नहीं, अभी हम लोगों की स्टैंडिंग उतना है नहीं। जिस दिन हम राजनीति ज्वाइन कर लेंगे, उस दिन अन पार्टियों की बुराई करना शुरू कर देंगे। BETET 2011 में ही एक नेताजी हैं सुनील यादव बने हैं, वो तो कहते हैं कहीं कुछ है ही नहीं है, सब कुछ नहीं है, बस अखिलेश अखिलेश करते रहते हैं। पर ये सुनील यादव हो या जो भी नेता हो, मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ, उनका फील्ड अलग है, जटने वाला फील्ड है या जटवाने वाला फील्ड है, लोगों को मेहनत तो किए ही है, अब मेहनत के अनुसार अपना बोलते हैं, लोग उनको जानते हैं, हम जहाँ अब आप भी उनको जानते हैं, हम भी जानते हैं सुनील यादव को, नहीं, तो कान मैं कानपुर वाले क्या, ना हाँ, क्या मेहनत की है बताइए। सर, इतना बड़ा प्रदेश में जो संगठन खड़ा कर दे, तो मेहनत नहीं तो क्या है, वो संगठन गलत खड़ा करे या सही खड़ा करे इसकी हम आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन अगर जो संगठन खड़ा कर दे तो मेहनत ही किया है ना। आप अपने यूट्यूब से इतना लोगों को जोड़ रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, योजना एक प्रकार से बीजेपी की योजनाओं को गिना रहे हैं, तो आप भी तो मेहनत कर रहे हैं, चलिए मेहनत कर रहे हैं फील्ड जो अलग है, होगी। उस उनका संगठन है, आपका ये है चलिए यूट्यूब आपकी है। बात से हम सहमत हैं, लेकिन एक चीज बताइए, एक व्यक्ति जो है जैसे हम ही हैं, हम बता रहे हैं, अब हम इसमें एक चीज और करें कि ये करने से जो है ये होगा, 1,000 रुपया दीजिए, तो जो अभी तक हम कर रहे हैं वो तो बिना पैसे का है, तो जो है अभी तक कोई उंगली नहीं उठा रहा है, लेकिन जिस दिन हम पैसा मांगेंगे फालतू का बिना वजह का, तो तब भी क्या हम सही रहेंगे? इसका मतलब वो संगठन वाला आपसे तेज है, उस संगठन भी खड़ा किया है, लोगों का ब्रेन वॉश भी कर दिया तो मतलब ब्रेन वॉश कर दिया तो सही काम किया सही काम कर रहा है वो। लोग पैसा भी दे दे रहे हैं, उसके लिए पहुंच रहे हैं, जो है आंदोलन कर रहे हैं, जिसका मतलब वो आपसे तेज है, कहीं ना कहीं है, तभी तो वो जो है अच्छा कि आप बताइए, अगर अभी हम जो है इंटरव्यू डेमो या कोई भी चीज के नाम पर बढ़ा चढ़ा कर बताएं और कहें कि जो है 1,000 रुपये देना है,
या याची बनना है या कुछ भी, क्या लगता है? हमें नहीं दे देंगे लोग? क्यों नहीं देंगे? ये चीज तारीफ हुई या खराबी हुई कि हम नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, और वो मूर्ख बना बना के ले रहा है, तो उसकी तारीफ आप बता रहे हैं। नहीं सर, हम तारीफ ना 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 ये हाँ नहीं, ऐसा हमें ब्लेम मत दीजिए। हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, सत्यता बता रहे हैं। भाई उसके अंदर क्वालिटी है, अपना कला दिखा रहा है, लोगों से ले रहा है, दे रहा हाँ है, क्वालिटी तो संगठन है, झूठ संगठन भी, खड़ा किया हुआ है, अपनी तरफ से लड़ ही रहा है, सपा का है वो बंदा। संगठन खड़ा कहाँ किया है, संगठन पहले से बना हुआ था, उसमें आकर के कूद पड़े, बाकी सब लूट पाट करके चले गए, अब इनको मौका मिला है तो अब ये झूठे उसी में झूठ बोल बोल कर लूट पाट कर रहे हैं। अरे ये क्या कोई न लूटता है, हिमांशु राणा की जो है ना, वही लोगों को मतलब भरमा दिया। अपना जो हिमांशु राणा जो है कि फायदा दिलवा दिए उतना लोगों को, किसी वो नहीं दिलवाया। प्रकार से उन्हीं की वो था थी ना वो मुकदमा, माने जैसे भी हुआ वही फायदा मिला, उसी में बहुत से लोग पिस गए जो पैसा दिए, मुंह मांगा पैसा दिए। बस वही एक लालच सबके दिल में थी कि यार जब ऐसा हुआ तो क्यों नहीं होगा, वही तो नजीर है। चलो अच्छा आप बताइए कि कल को सुनील यादव या कोई संगठन वाला आकर के कहे याची बनना है 1,000 रुपया दीजिए, आप देंगे कि नहीं? एक पैसा हम नहीं देंगे भाई, पैसा क्यों दे बताइए। पहले वो जजमेंट कराएं तो फिर हम बताएं ना, वो जजमेंट वाला हम लोग भी करा लेंगे। पहले वो करा कर आए तो उसी वही जजमेंट वाला लेकर आएंगे हम लोग भी। तो आप जानते हैं ना कि अगर एक जजमेंट होगा तो उसके आधार पर अन्य लोग भी करा लेंगे, लेकिन ये जो 839 को मिला उसके आधार पर आज तक न मिला है न मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस तरह का कोई मैटर अब बन नहीं रहा है न बनेगा, उस वक्त इस तरह का माहौल था, सिचुएशन थी, मैटर ऐसा था, इस वजह से मिला। तो अब तो उल्लू बना करके खाली ले रहे हैं। हाँ अरे सर चलिए। जी, एक मिश्रा मिश्रा इलाहाबाद वाला है, कनी कौन अकेडमी डाला है बताइए, वही हाल है। देहाती में जैसे बोलते नहीं है, अब क्या बोले हम कि सब दूह कर जब छोड़ दिए हैं तो वो बैठा है दूहने। अच्छा अभी हाँ इधर बीच की बात है। हाँ अभी रीड नहीं दायर किया है वो, अभी याचिका नहीं डाला है, अच्छा लेकिन सुन रहे हैं कि लोगों से जुटा रहा है पैसा वैसा, और बड़े मतलब फिदरत से क्रिया कसम के साथ, मतलब कि नहीं ये होगा ऐसे नहीं वैसे देखिए होगा। हम कह दी कि मूर्खों के पास जब पैसा होता है ना तो धूर्त इंसान, चालाक इंसान, कपटी इंसान भूखा तो नहीं मरेगा। वही नोट्स वोट्स देता है कंपटीशन वम्पटीशन का, उसी इसका प्रचार करता है, और यही 72,825 में जो बटो लोगों को बड़े मतलब हिसाब से क्रिया कसम वगैरह सौगंध खा के कि नहीं हम काउंसलिंग शुरू करा रहे हैं, है काउंसलिंग है वो काउंसलिंग का, देखो इसकी अलग ही चल रही है अभी। अच्छा, हम करा रहे हैं। हाँ मतलब वही कोर्ट में डालेंगे तो वो हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा अच्छा काउंसलिंग। जज जज जो है बैठा है कि हुजूर आएंगे, केस डालेंगे, हम उनकी बात मान लेंगे। बताइए अभी ऐसे। अच्छा तो ये अब वो किस किन लोगों को गुमराह कर रहा है, परत दर परत खुल के अभी यहाँ तक पहुंच गया हुआ ये सब मैटर, कि कोई अब 1 रुपया देने वाला नहीं है। हैं, दे रहे हैं भाई, दे रहे हैं। होंगे तब हमारे ख्याल से तो अब करीब 80% लोग जागरूक हो गए हैं। अभी आपका फोन रखेंगे, रखने के बाद एक ऑडियो आएगा यूट्यूब पर, जी उसको सुनिएगा और फिर आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि वो देने वाले जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं कि नहीं है। चलिए अच्छा अभी काफी लंबी बात भी हम लोगों की हो गई है, रखते हैं, और उनका ऑडियो हमने अपलोड कर दिया है, पब्लिश करना है सिर्फ, कर रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। ठीक है सर, ठीक है। अब यही तमन्ना है सर जी, अब यही जाप उफ हो जाए, हो जिंदगी जाएगा, हो कट जाएगा, बाकी आप जिंदगी सब, कट जाए जो शेष जिंदगी बची है। आपको सारी जानकारी है, हमें बताने की भी जरूरत नहीं है जी डिटेल में, काफ़ी लंबी चलिए सर बात हो गई है, अभी वो पब्लिश करते हैं, उनका सुनिए वो क्या उनसे बात हुई है।